तो चलिए हम ऑनलाइन क्लासेस में आज डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पॉइंट का तीसरी क्लास। पावर पॉइंट में हमने लास्ट क्लास में स्लाइड्स एंड स्लाइड्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम स्लाइड्स के टाइप्स लेते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड कब लेंगे, टू कंटेंट स्लाइड कब लेंगे, इसके बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। साथ में हमने पेस्ट स्पेशल के बारे में डिस्कशन किए थे कि पेस्ट स्पेशल कैसे इस्तेमाल की जाती है। अब बात आपकी करते आवाज आवाज जरा कट रही है थोड़ी सी हैं, आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट। जी। अब ठीक है, बोलेंगे तो पता चलेगा। तो आज हम बात करेंगे स्लाइड्स की लेआउट्स के बारे में। जो स्लाइड का लेआउट्स होता है यानी जो उसको स्लाइड्स की जो हम चेंजिंग करते हैं उसके बारे में। जैसे आपके सामने हमारे पास एक टाइटल स्लाइड है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट हम जब अपनी प्रेजेंटेशन नई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये आपके सामने एक बाय डिफॉल्ट का जो हमारा स्लाइड्स है वो पड़ा हुआ है। अब इसकी ऊपर देखिए लेआउट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मान लीजिए आपने टाइटल स्लाइड ले लिया, लेकिन आपको टाइटल स्लाइड नहीं चाहिए, कोई और स्लाइड चाहिए, तो यहां से आप उसकी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। मतलब ओके okay। कि अब कुछ लोग क्या करते हैं कि नई स्लाइड ऐड करते हैं, उसके बाद उसको डिलीट करते हैं। मान लीजिए ना कि आपने स्लाइड ऐड कर लिया ए, लेकिन आपको इस तरह का स्लाइड नहीं चाहिए था, कुछ और स्लाइड चाहिए था, तो वापस इसको डिलीट करके नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी स्लाइड का लेआउट होता है जो कि आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक चाहिए, तूने ब्लैंक किया तो मेरा स्लाइड ब्लैंक स्लाइड हो गया, ओके ठीक है। रीसेट, रीसेट क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई स्लाइड लिया, ठीक है, और हमने उस पर कुछ चेंजिंग किए, जैसे मैंने यहां दे दिया, ठीक है, तो रीसेट क्या करेगा, वापस जैसे कि रीसेट पे क्लिक करते ही वापस जैसा पहला था तो रीसेट कर देता है, लेकिन इसमें कोई खास ओके मतलब okay। नहीं होता है। अब बात आती है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, अब इसके बारे में जानिए। जैसे कि यहां पे देखिए एक ही है, अब यहां पे हम सेक्शन में ऐड सेक्शन करते हैं। तो यहां पे सेक्शन का टाइटल डालिए, ये सेक्शन आपके यहाँ ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे डाल दिया वीबीए, जहां सेक्शन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, सेक्शन में आगे बताएंगे आपको, इसके अच्छा लिए ये स्लाइड मैं चाहिए, सोच रही थी क्या हो रहा है। इसलिए स्लाइड अच्छा तो चाहिए। एक्सेल में बेसिकली ये स्लाइड्स और पावर पॉइंट होती है खाली किसमें? एक्सेल में। नहीं, एक्सेल, मैंने एक्सेल डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता अच्छा है, डेटाबेस एंड डेटा कैलकुलेशंस के लिए। आपको मैंने क्या समझाया था कि लेटर ड्राफ्टिंग करना होगा तो आप वर्ड पे इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंटेशंस के लिए आप इस्तेमाल करोगे पावर पॉइंट को। अगर आपको कोई डेटा रखना है, जैसे अटेंडेंस रखना है आपको, या एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल रखनी है आपको, या एम्प्लॉय की कुछ चीज के बारे में डिटेल रखनी है, अपने क्लाइंट्स की डिटेल रखनी है, क्लाइंट्स पे डिटेल, क्लाइंट्स सेल्स पे रिलाइज करना है आपको कि कितना सेल्स हुआ है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, इसके लिए आप एक्सेल इस्तेमाल करेंगे। जैसे अच्छा मान लीजिए आप कंपनी में है और सेल्स आपकी जो कंपनी की सेल हुई है ना, सेल्स को एनालाइज करना है आपको, सेल्स एंड प्रॉफिट को एनालाइज करना है आपको, तो उसके लिए एक्सेल। तो एक्सेल का यूज होता है डेटाबेस स्टोरेज, कैलकुलेशन एंड एनालाइजिंग, ओके ठीक है। ठीक है। तो इस सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्लाइड्स के बाद हम बात करते हैं अपने फॉर्मेटिंग के बारे में। तो फॉर्मेटिंग जैसे वर्ड में आपने सीखा था, सेम चीज यहां पे है। यहां से आप अपनी फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और यहाँ पे आप जो है शैडो
लेटर का, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो इस लेटर का शैडो हो जाएगा हल्का सा। क्रॉस कर सकते हैं कि इसको आप नॉर्मल या टाइट या वेरी टाइट कर सकते हैं, डाल देते हैं शैडो भी हटा देते हैं। मैं आपको, हैंग हो गया मेरा सिस्टम। क्या हो गया, स्टक हो गया? हाँ स्टक हो गया। रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लग रहा है अभी लैपटॉप चेंज भी करना है मुझे, 3 साल से यूज कर रहा हूं उसको। बड़ी बात है। और मेरे 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो शादी के गिफ्ट में आया था ये। तो आप दूसरी कर लें। लग रहा है ऐसे कुछ करना पड़ेगा। दुबई से एक स्टूडेंट ने भेजा वाह भाई, था। तो यहाँ पे अगर हम वेरी टाइट करते हैं, देखिए क्लोज हो गया टाइट थोड़ा सा हल्का, इतने के गैपिंग होता है, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के बीच में जो गैपिंग है ना, एक गैपिंग में होता है। ठीक ये है। टाइट कदर से आ रहा है हाँ ए नहीं बी से? कलर यहाँ एवी से, जैसे कि मान लीजिए ना एक तो लिखा हुआ है तो एक टेक्स्ट हाँ से दूसरे टेक्स्ट के बीच में जो गैप है, हाँ हाँ जैसे ई और एक्स के बीच में जो गैप है, उस गैप जी को जी कम और ज्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेरी ओ आई टाइट, सी, ओके। टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग। मोर स्पेसिंग में आप अपने हिसाब से स्पेस सेट कर सकते हो कि कितना स्पेस होना चाहिए। ओके ठीक है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मेमोरेंडम लिखते हैं हम लोग तो मेमोरेंडम में ना काफी गैप होता है, तो टाइटल में कभी बिल्कुल कभी गैपिंग देनी पड़ती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ओके। यहाँ पे आएंगे तो सेम केस चेंज करने का, जो कि जैसा वर्ड में देखा था आपने, सेम यहाँ है कि आप अपने केस को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा पैराग्राफ, अब पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ के लिए मुझे एक इसको डिलीट कर देता हूं और इंसर्ट करता हूं, मान लीजिए मैं सैप्स। तो ये सिमिलर वर्ड की तरह ही होता है, जैसे वर्ड में जो फीचर्स होते हैं ना, सारे फीचर्स इसमें, जैसे कि अलाइन करना, सेंटर, लेफ्ट, या एक जस्टिफाई करना, इसके बाद यहाँ पे वन कॉलम में करना या टू कॉलम में करना है। ठीक है। तो कॉलम भी यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कॉलम में करना है या दो कॉलम में करना है। दिख रहा है। ओके उसके बाद यहाँ पे थ्री कॉलम में या कोई और कॉलम करना है, थ्री कॉलम भी करता है, टू कॉलम भी होता है, एक कॉलम वाइज डिफाइन होता है या वन कॉलम सेट कर सकते हैं। और ये आता है पैराग्राफ की गैपिंग कि क्या गैप होना चाहिए पैराग्राफ से। उसके बाद एक टेक्स्ट की अलाइन करना है कि अलाइन करना, किसे अलाइन करोगे टेक्स्ट को, अलाइन लेकिन टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन होता है। ठीक है ना। अब जैसे जी। कि टेक्स्ट बॉक्स में मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं, जैसे कि यहां है, हम मान लीजिए एक्सेल के लिए हमने यहां ले लिया, और एक और टेक्स्ट बॉक्स हमने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हमारे यहां ले लिए,
और एक और मान लीजिए मैं माइनस ठीक है। अब मैं तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहां पे अलाइन आता है, टॉप मिडल एंड बॉटम, ये हो गई रहा है। अच्छा यहां से होगा, नहीं ये रहा है भाई, कि लाइन लेफ्ट वाइज करना है, टॉप वाइज करना है या सेंटर वाइज करना है। तो जैसे कि मान लीजिए ना कि मैं सबको एक सीध में ऊपर करना चाहता हूं, तो मैंने इसको अलाइन टॉप कर दिया, देखा एक सीध में आ गया। दूसरा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर रखना चाहता हूं, कि एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के बीच में जो गैप है वो गैप को हम बराबर रखना चाहते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली होगा, नहीं हॉरिजॉन्टली होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को आपस में अलाइन कर सकते हैं, बस सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पे चले जाइए, राइट। ओके okay। ये कन्वर्ट टू आर्ट्स, अपने आर्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। जब कुछ लिखा हुआ है आपने तो ये कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट में करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ड्राइंग की बात करें पैराग्राफ के बाद, अभी पैराग्राफ में नंबर्स एंड बुलेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किसके बारे में, नंबर और किसमें? नंबरिंग के बारे में, सीरियल नंबर के बारे में, नंबर एंड बुलेट्स है ना। अच्छा, नंबर ऑफ बुलेट्स। जैसे कि यहां पे मान लीजिए तो यहां पे एंटर हमने दे दिया VVA MIS तो सॉरी ऑफिस। अब मुझे इसको नंबरिंग देना है 1 2 3, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां पर देखिए नंबरिंग आ गया। तो नंबरिंग चाहिए या ब्रैकेट में चाहिए या 1 2 3 चाहिए, ये चाहिए, ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उधर से यहाँ बुलेट्स में आपको बुलेट्स चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसका बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके सीरियल नंबर के लिए यहां है और बुलेट्स के लिए यहां पे है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ये आपके गैपिंग के लिए होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके कि कहां पे होगा, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा ठीक है। तो पैराग्राफ हो जी। गया हमारा, अब बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग में अगर आप इसमें से कोई भी आर्ट्स को ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि आपने वर्ड एमएस वर्ड में किया था, ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने ठीक के है। हाँ बाद फॉर्मेटिंग में जाए, इसकी एक अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसे वर्ड में थी कि अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, इस पे कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने का जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेटिंग्स है तो इसका यूज कर सकते हैं। इसको सेप्स को एडिट करना चाहते हैं तो यहां पे एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए और अपने सेप्स को जिस भी शेप में डालना डाल। शेप में जैसे होता है क्या ना, जैसे शेप बना हुआ है तो थोड़ा सा हल्का चेंज कर रहा है, जैसे यहां देखिए चेंज किया हल्का सा, तो उसके लिए हेल्प एडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये पे आपका लाइंस है, लाइन कीजिए, ये फ्री फॉर्म लाइन होता है, जैसा ड्रॉ करना चाह कर सकते हो। ये लाइंस है ऐसे, यहाँ पे इसके सेट्स है, अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। क्लियर सर मैम। जी उसके बाद अगर आपने कई सारे सेट्स ले रखे हैं तो उसका अरेंज, उसको अपने हिसाब से अरेंज करना भी यहाँ होता है। जैसे कई सारे सेट्स हैं इसको अरेंज करना, तो अरेंज में आप मतलब कि जैसे कि एक के ऊपर मान लीजिए कोई चढ़ गया, इसको मैंने मान लीजिए चढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये पीछे चला जाए, पीछे की तरफ,
तो यहां पे मैं सेल टू बैक कर दिया, और ए वाला जो है ये ऊपर आ जाए, तो ये आता है विंग फ्रंट। अच्छा, ठीक है, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए ग्रुप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये अलग अलग, तीनों अलग अलग है, आप चाहते हैं तीनों को एक साथ। और तीनों मान लीजिए इसको मूव कर दो तो कोई एक मूव होता है, चाहते तीनों मूव हो तो कंट्रोल करके सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको आप यहां से ग्रुप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब ग्रुप होने के बाद ये अपने हिसाब से एक साथ मूव वो होंगे। ठीक है, मेवा तो मिला दें, रखा होगा। तो इसको अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका मतलब कि इसके हिसाब से इसको ग्रुप कर सकते हैं, वापस अनग्रुप करना अनग्रुप कर सकते हैं, रोटेट करना कि इसको आप अलग अलग डिग्री पे अलग एंगल पे रोटेट करना चाहते हो तो इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन पेन क्या होता है, अब कोई किसी को अगर आप शो नहीं करना चाहते हो तो यहां से इसको हटा सकते हो। ठीक है, जी जैसे कि इसमें आपने एक्सेल में किया था। और उसके बाद यहाँ इसकी इसकी फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे जैसे क्विक स्टाइल में आएंगे तो इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलें हैं जो कि आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग आपने किया था, शेप्स की फिल है कि कैसी कलर होनी चाहिए, और इस शेप्स की पर्टिकुलर आउटलाइन है कि कैसा आउटलाइन होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे उसका इफेक्ट है कि 3D इफेक्ट कैसा होना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां से आप अपनी इफेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है ठीक है, अब बात जी, करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। टाइम एंड उसके रिप्लेस। हाँ उसके लिए मुझे एक ये लेना पड़ेगा, एक माइक्रो लेना पड़ेगा। अब मुझे मान लीजिए कोई वर्ड फाइंड करना है, इसकी कोई वर्ड है कि नहीं, क्या मैं यहाँ पे कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो फाइंड में क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेबल फाइंड किया, तो जहां होगा वो वहां पे लेके चला जाएगा। दोबारा बताएंगे आप, मुझे तो जी साहब नींद आ रही है जबरदस्त। ठीक है, मैं कल कर लेते हैं। हाँ प्लीज, आप कल मतलब मुझे अब नहीं सुनाई दे रहा, मैं बहुत सुबह की उठी हूँ 6 बजे से।